नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शिवसेना ने किया जिला अस्पताल का घेराव। शिवसेना द्वारा जिला अस्पताल में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर जमकर आंदोलन किया। शिवसेना जिला प्रवक्ता नीतीश तिवारी ने बताया कि शिवसेना ने जिला अस्पताल में चल रही भ्रष्टाचारी, धांधली और गरीबों के साथ हो रहे शोषण को लेकर ही आंदोलन किया है। इस आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में शिवसेना प्रदेश प्रमुख पप्पू तिवारी रहे। सभी शिवसैनिक शिवसेना जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी के नेतृत्व में एक विशाल रैली के रूप में सभी शिवसैनिक रैली लगभग 1:20 में जिला अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन को सुधर जाने की चेतावनी दी। शिवसेना प्रदेश उपप्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि यदि शिवसेना द्वारा दिए गए 15 दिन के अल्टीमेटम में जिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरी तो पूरे सागर संभाग। जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी ने कहा कि जिला अस्पताल में उपाध्यक्ष सुनील दुबे और अजय साहू द्वारा डॉक्टरों पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हुए हैं और उनके कमीशन की जाँच करने की बात कही। तो वहीं पूर्व संभाग प्रमुख पवन सोनी ने लापरवाही के आरोप लगाए। शिवसेना द्वारा मुख्यमंत्री के नाम SDM प्रियांशी भंवर एवं CMHO विजय पथौरिया को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। बजे तक नहीं आती, प्राइवेट मरीजों को देखते हैं, भ्रष्टाचार का दलदल पूरे जिला चिकित्सालय में मचा हुआ है। तो आज शिवसेना हाईकमान द्वारा मुझे उपराज्य प्रमुख के रूप में मुन्ना तिवारी जी के साथ में नेतृत्व यहाँ पर कार्यक्रम के लिए भेजा गया है और आज मध्य प्रदेश शिवसेना चेतावनी देती है छतरपुर जिले के प्रशासन को कि अपने हरकतें सुधारो। गरीबों की सेवा का काम तो भगवान चिकित्सक कहलाता है, तुम भगवान बनो, हैवान मत बनो। आज शिवसेना चेतावनी देती है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर जिला चिकित्सालय में सुधार नहीं हुआ तो छतरपुर जिले की यह गूंज टीकमगढ़ में भी जाएगी, पन्ना में भी जाएगी, सागर में भी जाएगी, मध्य प्रदेश के 51 जिलों में जिला चिकित्सालय छतरपुर के खिलाफ डंका बजाया जाएगा, हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। और आज शिवसेना हाईकमान ने मुन्ना तिवारी को भी निर्देशित किया है कि जो चिकित्सक 50,000 से ऊपर तनख्वाह लेकर गरीबों का भला नहीं करते, गरीबों की दवाई नहीं लिखते, गरीबों के लिए MR द्वारा महंगी दवाइयाँ स्टोर पर खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, अगर उन चिकित्सकों में सुधार नहीं आता है तो जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी जी को निर्देश दें कि वो ऐसे भ्रष्ट चिकित्सकों का, भ्रष्ट अधिकारियों का काला मुंह करें और चौराहों चौराहों पर उनको बेनकाब करें और बताएं कि जब सरकार इनको 50,000 से ऊपर वेतन देती है, तनख्वाह देती है, तो एमआर से साठगांठ करके कमीशनबाजी में महंगी दवाएं गरीबों को, किसानों को, लाचारों को, मजबूरों को क्यों लिखती है। आज शिवसेना संगठन की मांग है जिला चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितता है, सफाई नहीं है, शौचालय की सफाई नहीं है, वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। इन सब बिंदुओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और जिला प्रशासन ने शिवसेना संगठन के ज्ञापन पत्र पर गंभीरता नहीं बरती तो ईंट से ईंट बजाने के लिए मध्य प्रदेश और सागर संभाग का शिवसैनिक पीछे नहीं हटेगा। जय भवानी।